हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स विद माही में। आज की वीडियो में मैंने बताया है लोटस प्योरा वाइटल फेशियल किट का डेमो दिया है, तो आप लोग ये वीडियो देखिए। और कुछ कमी कुछ भी रह गई हो, वैसे मैंने पूरी डिटेल्स दी हैं कौन सी चीज़ कितने टाइम यूज़ करनी है, कब यूज़ करनी है, तो फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज़ बताइएगा। और मैं यहाँ वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता देती हूँ नंबर वन पर क्या यूज़ करना है। नंबर वन पर हमें यूज़ करना है ये क्लिनज़र, और नंबर टू पे यूज़ करना है एक्सफोलिएटिंग जेल, और नंबर थ्री पे यूज़ करना है मसाज जेल, और नंबर फोर पे यूज़ करना है फेस मास्क। प्यूरा वाइटल्स नॉर्मल टू ऑयल स्किन वालों के लिए है, नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रा वाइटल्स है, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, गिव अवे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जितने भी फेशियल किट के डेमो दूंगी सब में कुछ ना कुछ गिव अवे रहेगा, इसमें भी है, तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए कैसे पार्टिसिपेट करना है, वो मैं अभी बता देती हूँ। इतना सस्पेंस क्यों रखना? कहाँ गया? प्योरा वाइटल्स में पार्टिसिपेट करने वालों को मिलेगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप प्योरा वाइटल्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइड्रा वाइटल्स में नहीं कर सकते, या आपने एक वीडियो में पार्टिसिपेट किया है तो दूसरे वीडियो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओके? तो जीतने वाले को, किसी एक इंसान को जीतने वाले को ये मिलेगा एक्सफोलिएटिंग जेल प्योरा वाइटल्स में। और रूल बिल्कुल सिंपल है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ओके? और प्लीज़ सब्सक्राइब तो आप लोग वैसे भी करो यार, मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है अभी, तो प्लीज़ इतना तो हेल्प कर दो सब लोग मिलके, सबको करवाओ यार, जितने भी फ्रेंड्स हैं फैमिली वाले हैं सबसे सब्सक्राइब करवाइए मेरा चैनल, ओके? और रूल बता देती हूँ, नंबर वन मैंने बता दिया, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। नंबर टू स्टेप है किसी भी मतलब सबको अपना अपना एक सजेशन देना है कमेंट सेक्शन में जाके कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चीज़ के ऊपर, कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो, लाइक मेकअप हॉल देखना चाहते हो, शॉपिंग हॉल देखना चाहते हो, या किसी एक प्रोडक्ट के, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप लोग रिव्यूज़ चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कोई भी सब लोग अपना एक एक सजेशन दीजिए। और प्लीज़ कॉपी मत कीजिएगा एक दूसरे को, सभी अपना अलग अलग दीजिए, कॉपी हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि अपना अलग अलग ऑनेस्ट सजेशन दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा मेरे लिए भी, आप सबके लिए भी। तो क्या करना है, सजेशन देना है, उसके बाद लिखना है हैशटैग डन, बस इतना ही है पार्टिसिपेट के लिए। किसी भी एक इंसान को मिलेगा ये एक्सफोलिएटिंग जेल, और इसका रिजल्ट मैं अनाउंस करूँगी 20th of July को वीडियो में अपलोड करके, तो सभी लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखिए तो स्टार्ट करते हैं लोटस प्योरा वाइटल का फेशियल करना। मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि क्या क्या मुझे चाहिए। सबसे पहले हम पूरा फेशियल किट मैंने ले लिया, सबसे पहले उसमें है ये क्लिनज़र, ओके? और फिर है ये एक्सफोलिएटिंग जेल, और फिर है ये मसाज जेल, और उसके बाद है ये फेस पैक। और इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे एक बोल में पानी, और पानी में मैंने क्या किया है, आइस डाली है, क्योंकि मुझे ब्लैक हेड्स निकालने के लिए वो स्टीम लेनी होती तो मैं स्टीम नहीं लेती, मैं इसी ठंडे पानी को यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको आगे बताती हूँ किस तरीके से। और ब्लैक हेड्स में वो स्टिक से निकालना मुझे थोड़ा टफ लगता है, उसके लिए मेरे पास ये मशीन है, ये ब्लैक हेड निकालने के लिए बहुत इजी है, बहुत इजीली निकल जाते हैं, इसको इस तरीके से यूज़ करना होता है। तो मैं फेशियल करते वक्त स्पेशली नहीं ब्लैक हेड्स निकालती, मैं वीक में एक बार इसको यूज़ कर लेती हूँ अपने फेस के ऊपर, तो क्या होता है वो पूरी गंदगी इससे निकल जाती है, बहुत इजी है इसको यूज़ करना। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आपको बता दूँगी ईजिली कि कहाँ से ये मिलेगा। अगर अलग से इसका रिव्यू चाहिए यूज़ करके, आपको जानना चाहते हो कैसे यूज़ करना है, तो मैं वो भी बता दूँगी, आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फेशियल करना। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ये क्लिनज़र प्योरा वाइटल्स का, इसका प्राइस है 495, और इसकी शेल्फ लाइफ है 3 साल। अभी जो नए आ रहे हैं शायद उनकी 4 साल है, लेकिन मेरे पास ये लास्ट ईयर मैंने ख़रीदा था, तो लास्ट ईयर तक तो 3 साल ही आ रहे थे। और इसका जो वेट है वो है 260 ग्राम, मेड इन इंडिया है, और इसको थोड़ा सा लेके अपने टी जोन पे या अपने फेस पे थोड़ा सा हमें लेके मसाज करना होता है, इतना सा ही बचा है, शायद एक या दो फेशियल होंगे, लेकिन ये जो भी मतलब ये फेशियल हैं प्योरा वाइटल्स या हाइड्रा वाइटल्स के, इसमें पूरे 10 से 15 फेशियल आराम से निकल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये है इसका टेक्सचर, क्रीमी टेक्सचर है ये, और ये मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ले ली है, बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है, मैं इसको कम कर रही हूँ थोड़ा। तो इसको थोड़ा सा लेके इस तरीके से हमें अपने फेस पे लगाना है,
तो इसको थोड़ा सा फेस पे लेके इस तरीके से लगा लेना है। और इसका धीरे धीरे अपने हाथों से मसाज करना है। ये पूरी तरह से स्किन में अब्जॉर्ब नहीं होता, तो अगर आपको लगता है कि अब्जॉर्ब हो जाएगा अच्छे से तब तक आप अपने फेस पे इसको क्लिंजिंग कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ये इसी तरीके से रहता है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हो, लेकिन पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया इसमें। और इसको यूज़ करते वक्त थोड़ा सा लाइक पता चलता है कि हाँ हम अपने फेस पे कुछ यूज़ कर रहे हैं। और इसका स्मेल थोड़ा सा स्ट्रांग है, लाइक बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिस तरह से वो क्लोव्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं लॉन्ग, उसकी थोड़ी सी स्मेल हल्की सी आती है। बट बिलीव मी, मतलब उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप इसको इजिली यूज़ कर सकते हो और ये स्किन पे ऐसे ही रहेगा। तो 5 मिनट का आप क्लिंजिंग इससे कीजिए, 5 मिनट के बाद इसको अपने स्किन के ऊपर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। आपको लगेगा अब्जॉर्ब हो गया, अब्जॉर्ब नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो इसको हम अपने टावल को गीला करके इसको अपने फेस को साफ कर देंगे। तो नंबर 1 पे था ये क्लिंजर। इसकी 5 मिनट तक फेस पे क्लिंजिंग करनी है, उसके बाद 3-4 मिनट, 2-3 मिनट या 5 मिनट के लिए अपने स्किन पे छोड़ देना है और फिर अपने फेस को क्लीन कर लेना है गीले टॉवल से या कैसे भी उसको साफ कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्रूट सीड्स एक्सफोलिएटिंग जेल। इसकी डिटेल्स भी मैं आपको बता देती हूँ। क्लिंजर के बाद हमें ये सेकेंड स्टेप है यूज़ करने के लिए, तो इसके बारे में बताती हूँ। इसका जो प्राइस है वो है 495 और शेल्फ लाइफ इसकी है 4 ईयर्स। और इसका जो वेट है वो है 300 ग्राम। इसको थोड़ा सा लेके हमें अपने फेस को स्क्रब करना है। स्क्रब के लिए भी आप अपनी स्किन के हिसाब से कर सकते हो, 2 या 3 मिनट स्क्रब या प्रॉपर 5 मिनट का स्क्रब कर सकते हो। अगर आप डेली बेसिस पे सीटीएम करते हो तो 2 या 3 मिनट का स्क्रबिंग आपके फेस के लिए बहुत है। अगर नहीं, आप प्रॉपर फेशियल ही करते हो, डेली क्लीनिंग नहीं करते, सीटीएम नहीं करते, तो आपको इसका स्क्रब जो है 5 मिनट तक करना चाहिए। और आपके फेस पे अगर ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स ज़्यादा होते हैं तो भी आप कम से कम 5 मिनट का स्क्रब कीजिए इससे। तो इतनी क्वांटिटी बहुत है फेस पे, मैं दिखाती हूँ निकाल के कितना सा चाहिए। इतना सा ही चाहिए बस। और इसको हाथ पे अच्छे से फैला लीजिए, इसको डायरेक्ट फेस पे मत लगाइए, इसको ऐसे फैला लीजिए थोड़ा सा। अभी आप देखोगे ये जेल जेल बेस है ये, ओके, लेकिन इसका कलर देखो फेस पे आते ही चेंज हो गया। लाइक इसको थोड़ा सा मसाज करते ही ये चेंज हो गया। इसमें मैंने कोई पानी नहीं यूज़ किया, कुछ भी नहीं यूज़ किया। तो इसका हमें स्क्रब करना है धीरे धीरे अपने फेस पे। स्क्रब हमेशा स्लो ही करना चाहिए, जेंटली मसाज करना चाहिए, कभी भी स्क्रब फास्ट नहीं करना चाहिए। ओके, तो 5 मिनट स्क्रब करने के बाद आप देख सकते हो कितना फोमिंग फेस वॉश की तरह मेरा फेस हो गया है। अभी इसको हम क्लीन कर देंगे। ओके, तो अभी ये स्क्रब हो गया। अगर आपको ब्लैक हेड्स निकालने हैं, वो स्टिक से ब्लैक हेड्स निकालने हैं, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है स्क्रब करने के बाद में, एक बर्तन में, बड़े बर्तन में पानी, गर्म पानी लीजिए और इस तरीके से अपना कवर करके इस तरीके से आप स्टीम लीजिए। तो 5 मिनट का स्टीम लीजिए अपने फेस पे। वैसे 2-3 मिनट का स्टीम काफ़ी है, अगर 5 मिनट तक बर्दाश्त कर सकते हैं तो अच्छी बात है। थोड़ा अच्छे से वो पोर्स ओपन हो जाएंगे, फिर उसके बाद से आप ब्लैक हेड्स निकाल सकते हैं। मैं नहीं निकाल रही, मैंने आपको रीज़न बता दिया था। नेक्स्ट है हमारा मसाज करना हमारे फेस को। ये है मसाज जेल। सबसे कम क्वांटिटी में मसाज जेल ही यूज़ होता है भाई, सबसे ज़्यादा मसाज जेल ही बचा हुआ है अभी तक। ओके, इसका प्राइस है 695 रुपीज़। और इसकी शेल लाइफ भी है, इसकी शेल लाइफ 3 साल है। पता नहीं क्या चक्कर है, किसी का 4 साल है, किसी का 3 साल है। ओके, और इसका वेट है 300 ग्राम्स। और इसका हमें मसाज करना है 10 से 15 मिनट, थोड़ा सा ही लगेगा ये, 10 से 15 मिनट मसाज करना है। तो मैं दिखाती हूँ, ये क्वांटिटी में लेना है। और ये रहा इसका टेक्सचर, रनी नहीं है, ये भी जेल बेस्ड है। थोड़ा सा लेके इस तरीके से फेस पे लगाना है। अभी भी इतना बच गया, पूरे फेस पे लगा लिया फिर भी इतना बच गया। चलो हाथ पे लगा लेते हैं।
अगर जरूरत पड़ती है तो आप इसमें पानी यूज कर सकते हैं। तो मैंने जो ठंडा पानी लिया था मैं वही यूज कर रही हूँ थोड़ा सा। तो इस तरीके से 10 से 15 मिनट तक हमें फेस पे मसाज करनी है इस जेल की, उसके बाद से हमें अपने फेस को क्लीन कर देना है। एक बात और, मेरे फेस पे कुछ ये पिंपल्स के मार्क्स हैं इधर इधर, तो कृपया करके इन फेशियल किट को उसका जिम्मेदार ना ठहराया जाए। तो अभी बारी आती है ये फेस मास्क की। इसका प्राइस है 245 रुपीज़। शेल्फ लाइफ इसकी है 3 साल। और इसकी क्वांटिटी कितनी है, 60 ग्राम है इसकी क्वांटिटी। लेकिन हाँ, बाकी फेशियल किट में जो बॉक्सेस हैं वो 10 से 15 फेशियल्स हो जाते हैं, ये उतनी बार नहीं निकलेगा। ये मुश्किल से 5-6 बार यूज़ हो पाता है, तो इसको बार बार परचेज करना पड़ता है। अदरवाइज़ बाकी फेशियल किट सही है। तो इस थोड़ा सा हाथ पे ले लेंगे लाइक इतनी क्वांटिटी में, और इसको अभी अप्लाई करेंगे फेस पे। तो ये फेस मास्क को आप यहाँ आईब्रोज के नीचे लगा सकते हो, आईज के पास लगा सकते हो। इसमें ग्रीन टी है, ये बहुत बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा फेस मास्क है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अच्छे से मैंने फेस पे अप्लाई कर दिया और इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। उसके बाद से हम इसे क्लीन कर देंगे और हमारा फेशियल फिनिश। तो अभी ये मास्क सूख गया है, इसको साफ करने से काम नहीं चलेगा, इसको वॉश करना पड़ेगा। मैं इसको वॉश करके आती हूँ। तो फेस मास्क सूखने के बाद में मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और यहाँ पे हमारा फेशियल कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, ये था लोटस प्यूरा वाइटल्स का डेमो, फेशियल किट का पूरा डेमो। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।